भिंड जिले की दबोह नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 15 में अखंड वरदानी स्वरूप में विराजी सिद्ध माँ संकटा देवी के सानिध्य में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन सोमवार 11-21 फरवरी से नगर के हृदय स्थल चार पुरानी हाट चौधरी मोहल्ले में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। यहाँ पर बताना मुनासिब होगा कि प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी आदिशक्ति माँ संकटा देवी के जन्मोत्सव पर भागवत कथा का आयोजन समस्त नगरवासियों के सहयोग से कराया जा रहा है। पूरे नगर को यहाँ पर होने वाली भागवत कथा के श्रवण का बेसब्री से इंतजार रहता है। ये भगवान अमृत रस वर्षा विश्व के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्रीमद भागवत कथावाचक परम पूज्य श्रीमद भागवत कथावाचक पंडित रमाकांत व्यास जी के मुखारविंद से श्रद्धालुओं को श्रवण करवाई जा रही है। यहाँ पर महिला पुरुष श्रोताओं की अत्यधिक भीड़ होने का सबसे बड़ा कारण श्रीमद भागवत कथावाचक रमाकांत व्यास है, उसी के कारण यहाँ पर सुबह से दर्शन कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें श्रवण करने का मौका मिल रहा है और आरती के उपरांत परम पूज्य श्रीमद भागवत कथावाचक रमाकांत व्यास जी के मुखारविंद से श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं का वर्णन किया गया। श्री कृष्ण के बारे में कहा कि वो माँ के सामने रूठने की लीलाएं करने वाले बाल कृष्ण हैं, तो अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर कृष्ण। इस व्यक्तित्व को सर्वाधिक आकर्षक पहले दूसरों के निर्णयों का सम्मान है। कृष्ण के मन में सबका सम्मान है, वो मानते हैं कि सबको अपने अनुसार जीने का अधिकार है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनना और सुनाना भगवान की कृपा से ही संभव है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही भाग्यशील श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में परीक्षित राम जानकी मंदिर के पुजारी पंडित राम शरण तिवारी के पुत्र व पुत्र भद्दू सुनीता भरत शरण तिवारी बने हैं, जो परीक्षित बनकर स्वयं को और भाग्यवान समझ रहे हैं। इनके साथ होने वाली श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मुख्य व्यवस्थापक के तौर पर चौधरी हाकिम सिंह उनकी टीम के द्वारा संचालित की जा रही है। उनके द्वारा समस्त जनमानस से श्रीमद् भागवत कथा के सातवें दिन पूर्ण होने पर हवन पूजन और भंडारा आदि के बधाने का आग्रह किया गया। धार्मिक अपराध ये है कि तुमने जल में वरुण देवता का वास होता है और तुमने जल में नग्न होकर के स्नान किया, व्रत करके बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, भले इन्होंने किया हो पर ये पुरुष बदकी हो। ऐसा सुनो, दंडक वन में रहने वाले जो ऋषि मुनि थे राम जी का स्वरूप देखते हैं तो कहते हैं प्रभु हम आपका आलिंगन करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, इस युग में तू नहीं कर सकते हो, द्वापर में तुम गोपी बनकर के आना, तब तुम हमारे मेरा आलिंगन कर सकोगे। मुझे गोपियों के अलग अलग विभाग है, मैं आपको बताऊंगा गोपियों के कितने विभाग थे। गलत समझिए, भगवान ने जब गोपियों के वस्त्रों को चुराया तो उसमें उनकी उम्र कितनी थी, उम्र का प्रभाव तो होता है उस समय भगवान की उम्र मात्र। गलत समझिए, भगवान ने जब गोपियों के वस्त्रों को चुराया तो उसमें उनकी उम्र कितनी थी, उम्र का प्रभाव तो होता है उस समय भगवान की उम्र मात्र 6 से 6.5 वर्ष की बीच में थी। 6 से 6.5 वर्ष के बच्चे के हृदय में तुम्हें काम भाव करना, 6 से 6.5 वर्ष के बच्चे की दृष्टि में आज शाम की कह रहे हैं, शाम की शाम 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 को करवा रहे हैं। Thank you.